करती हर कुछ के फेरे
पर मुझे ऐसा लग रहा कम समझ में आ रही है थारे, खूब आ रही है। तो अगर बात समझ में आ जावे तो ताली जरूर बजाया करो, क्योंकि नेता अभिनेता कलाकार इनके ताली इसी लगा करे जिसे एक जापे वाली औरत का घी लगा करे। जो थारी ताली है वो कलाकार में ताकत का काम करती है। तीसरी लाइनों के माध्यम से बताया, समय बदल गया है, पहले के जमाने में और आज के जमाने में दिन रात का अंतर हो गया है। पहला बाबा इतनी महंगाई नहीं होया करती, आजकल कुत्तों का और पैसों का भाव बराबर हो गया है। अगर एक बढ़िया कुत्ता लेने जाओगे ना वो भी 2-3 लाख तक कम नहीं आता, अगर बढ़िया भैंस लाओगे वो भी 4-5 लाख तक कम नहीं आती। इतनी महंगी भैंस लाने के बाद अगर वह भैंस दूध नहीं देवे तो इसी भैंस का भी कोई फायदा नहीं। तीसरी लाइनों के माध्यम से के बताया। मैडम निशा जांगड़ा जी के इस भजन पर खुश होकर के हमारे आदरणीय मुख्तियार सिंह जी वो 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारी टीम का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम ज्योति यादव जी हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी लंबाई कम हो ये तो घर के आदमी है बैठा कोई, और बैठा तो पूरा मत मानियो। हाँ एक बाबा बैठे हैं, कद का बेसक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। धन्यवाद। रागिनी की बिल्कुल अंतिम कली है, जैसे जैसे समय बदल गया है वैसे इंसान बदल गए हैं, वैसे ही रिश्तेदार भी बदल गए हैं। पहले माँ बाप की मर्जी तक ब्याह होया करते लेकिन आजकल हो लव मैरिज, और वह भी डटे तो डटे, ना डटे तो 2-4 साल में वह भी निकल ले है। अरे एक ब्याह और बताया भाई, नुगे कर कल्या रखी है बकरी और कौन सी है उसके बारे में कवि ने क्या लिखा सुनिए। हेरा इज्जत मंद, इज्जत मंद मानस के घर में इज्जत मंद।